हम देखेंगे स्टोनलेस फ्लोर मिल, तो ये है स्टोनलेस फ्लोर मिल, ये 12 इंच का पत्थर है, इम्पोर्टेड इमरी या हार्ड इमरी बोलते हैं, वो इमरी है, 2 HP का मोटर है, उस पर चलेगा, वी बेल्ट ड्राइव है यहाँ पे, इसका आटा कम ज़्यादा छोटा बड़ा करने के लिए है, स्टोन है, स्टोन का प्रेशर सेट कर सकते हैं, 2 स्टोन में जितना प्रेशर रहेगा उतना फाइन आएगा, जितना दूर रहेंगे स्टोन उतना कोर्स आएगा। यह कॉटन बैग है, यहाँ यहाँ फिट कर देंगे ताकि जो आटा है मिल जाए, एक बर्तन लेंगे जिसमें आटा कलेक्ट करना है, इसको इसमें छोड़ देना। मशीन को शुरू करने से पहले ध्यान रखिए दोनों पत्थर एक दूसरे से दूर रहने चाहिए, पत्थर को दूर दूर रखें, मशीन को शुरू कर दें, जैसे ही मशीन शुरू हो जाता है, यह अनाज का रेगुलेटर है जिससे अनाज लिया जाता है, इसको पूरा मुंह को बंद कर दें ताकि हम अनाज डालने के बाद ऑटोमेटिक अनाज न जाए, हल्के से पत्थर को लगा दीजिए, आपको आवाज़ से पता चलेगा, जैसे हल्का आवाज़ हो जाएगा उसके बाद कर दें अनाज के पत्ते, आटे में क्वालिटी देख लीजिए, अपने अपने को जैसा चाहिए वैसा आटा है तो रख दीजिए, वरना यहाँ से पतला अंदर पत्थर को अंदर कसेंगे तो पतला आएगा, बाहर कसेंगे तो ज़्यादा। अनाज चीज के होने के बाद मशीन को बंद कैसे करें, हमने जो थ्रोटल मतलब कम ज़्यादा करने का था वो बिल्कुल कम करें, पूरा इसको खोल दें ताकि जब नए से अनाज डालेंगे अपने आप अनाज जाके मशीन जाम न हो जाए, और जो पत्थर को है पीछे ले लें और इसको कस दें, मशीन को बंद कर दें, पीसा हुआ था अनाज डालते हैं कभी कभार अनाज ज़्यादा जाता है और मशीन जाम हो जाता है, मशीन रुक जाता है, तो इसको क्या करना है, मशीन को फिर से पत्थर को पीछे खींचना है, पूरा खोल देना है, खोल के मशीन हल्का हो जाएगा, वी बेल्ट से मशीन को हल्का कर देना है और मशीन को शुरू कर देना है, तो यहाँ से पूरा खुरदरा अनाज जो है वापस आ जाएगा, उसको रीग्राइंडिंग में डाल दीजिए, ये होता है इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग की वजह से मशीन का रुकना। दूसरा ट्रबल शूट, कभी गलती से या किसी मॉइस्चर कंडीशन से हम गीला पीस देते हैं तो अंदर जाके पत्थर फिर उसकी सतह जम जाती है, उसकी वजह से आटा जो है नहीं आता है या काला आएगा या प्रोडक्शन नहीं देगा, आटा गर्म हो जाएगा, तो उसको मशीन को खोल के करना पड़ता है, तो हम आपको बताएँगे उसको कैसे खोलना है। तो पहले ग्रेडगार्ड को खोल लें, ये 3 नट है, एक यहाँ दूसरा और यहाँ तीसरा, हम खोल के आपको दिखाते हैं, 3 बोल्ट खोलने के बाद बेल्ट गार्ड को निकाल दें, बेल्ट को निकाल दें, किसी नकली चीज़ को बेल्ट निकल जाएगा, निकालने के बाद बेल्ट को रख दीजिए, और ये पूरा खोल के हम पत्थर निकालेंगे, तीसरा पार्ट पुली को निकाल दें, तो दो मिनट है लूज कर दें, ये बोल्ट खोल के ये पत्थर जिसको फिक्स बोलते हैं उसको निकाल देंगे, बोल्ट एक जगह से रख दें और पत्थर को हल्के से घुमा के निकाल दें, ये
याद रखिए, कभी हम गीला पीसते हैं या कुछ खुरदरा पीसते हैं तो यहाँ पे सतह जो है कड़क हो जाती है, जैसे अभी थोड़ी सी काली हो रही है, तो इसको तार ब्रश रहेगा, वायर ब्रश बोलते हैं इसको, देख लेते हैं इसको, तो इसे पूरा साफ करना है। यहाँ बेरिंग्स रहती है, यहाँ पे हमेशा ग्रीस रहना चाहिए, तो कभी इसमें ग्रीस कम ना जाए, आटा ना फंसे, इसके लिए जब भी खोलेंगे तो इसको पूरा साफ कर दें। जैसे इसमें आटा चला जाएगा बेरिंग जाम हो जाती है, वैसे ही बेरिंग यहाँ पे लगी है। तो इसमें भी आटा ना फंसे ये ध्यान रखना है। बेटा तो वक्त वापस इसको रीअसेंबल करते वक्त, ये फिक्स पत्थर है, इसको दो ब्रश है, तो दोनों ब्रश की जगह यहाँ पे लेनी है, याद रखें। तो ये दो ब्रश है, बिल्कुल ऐसे जाने चाहिए। जैसे एक ब्रश इधर से चला गया, ये ब्रश इधर से चला जाएगा। इस जगह पत्थर बैठते हैं, आटे को बिल्कुल साफ कर दे ताकि पत्थर एक दूसरे को पहली जगह जरा जगह पे बैठे। याद रखिए, किसी भी नुकीली चीज से इस पे नहीं मारना है, वरना पत्थर क्रैक हो जाएगा। ये हार्ड इमरी है, पहले वाले पत्थर अलग थे और ये हार्ड इमरी है। इसको खाली तार ब्रश से साफ कर दे, या अगर कभी जरूरत पड़े तो ड्रेसर करके एक टूल आता है, उससे लेद मशीन पे ही ड्रेसिंग करना है, हाथ से या नुकीली चीज से नहीं ड्रेसिंग करना है। जैसे अभी हमने इसको खोला था, ये ऊपर वाली साइड है, शाफ्ट को भी पूरा साफ कर दे। अभी हमने ये बोल्ट कस दिए, अभी हाँ पुली लगा देंगे, पुली को हमने मार्क किया था कि जिस जगह आएगी, ये मार्किंग था उस जगह, उसको पहले छोटी पुली पे डाल दीजिए बेल्ट को, बड़ी पुली पे हल्का सा कस के सावधानी से उसको छोटी पुली को घुमा दीजिए। हल्का